नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग को चुनौती मिल रही है। तमाम वैसे उम्मीदवार जो कि अपना नामांकन करने के लिए जा रहे हैं या फिर जनसभाएं कर रहे हैं, उनमें आप लगातार देख रहे होंगे कि गाइडलाइंस जो हैं वो साइडलाइन हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बिहार के दरभंगा की है। दरभंगा में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नचारी मंडल ने अपना नामांकन किया है। नामांकन करने वक्त जो है वो भैंस की सवारी करते हुए दरभंगा के कलेक्ट्रेट पहुंचे, यानी कि डीएम ऑफिस पहुंचे हैं। ये जो विजुअल्स आप देख पा रहे हो, ये नचारी मंडल के समर्थक हैं इस पूरे विजुअल में, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं नचारी मंडल के साथ नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। बिहार में गाइडलाइंस जो हैं ये लगातार साइडलाइन होते हुए दिख रहे हैं, ये हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि तमाम जनसभाओं में, खास कर करके कई पार्टियों के जनसभाओं में, किस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जी उड़ रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हजारों की संख्या में किसी मैदान में जुट रहे हैं, वहाँ पर कोविड की किसी भी गाइडलाइन का, चुनाव आयोग के किसी भी गाइडलाइन का, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। भैंस पे चढ़ के आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या इससे स्रोत है? हमारे एक ही गरीब दलित महादलित किसान मजदूर का बेटा बहादुरपुर 85 विधानसभा से आए हैं, और हमारे गरीब अभिजय दलित के बेटा, और सारे हमारे नौजवानों बुजुर्ग वृद्ध हमको बोले हैं कि बेटा सबको पास तो गाड़ी बंग घोड़ा है, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, एक तुम्हारा भैंस है, इस भैंस पर जाके अपनी विधानसभा की क्या कहते हैं नॉमिनेशन जाके करो और अपना नॉमिनेशन फाइल करो। क्या एजेंडा रहेगा आपका? हमारा एक ही एजेंडा है कि हमको गरीब गुरबा दलित महादलित अखिलियतों को जो है सही समय पर मिलना चाहिए, उसको बेनिफिट, खाद बीज, मुआवजा, वृद्ध पेंशन, किसान को सही समय पर में बीज खाद मुहैया तो होनी चाहिए, और गरीब गुरबा के रोजगार लगनी चाहिए। यही मेरा एक एजेंडा। इसके लिए कितना प्रतिशत अस्वस्थ है आप? हम इसके लिए 99% अस्वस्थ हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभ नचारी मंडल हुआ। बड़ा सवाल अब चुनाव आयोग पर उठता है, बिहार के निर्वाचन विभाग पर उठता है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। क्या बिहार का निर्वाचन विभाग या फिर जो देश का चुनाव आयोग है, इस बाबत कोई कड़े कदम उठाता है? क्या इस बाबत कोई शो कॉज नोटिस दिया जाता है, या फिर ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जाती सकती है जो कि कोविड के इस पैंडेमिक के दौरान में उन तमाम गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रख रहे जो कि चुनाव आयोग ने जारी किया है? बड़ा सवाल ये होगा कि देखना होगा कि चुनाव आयोग इन में इन उम्मीदवारों के खिलाफ अब क्या रुख लेता है। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।